हथियारों के मामले में इजराइल को दुनिया का एक बहुत ताकतवर मुल्क माना जाता है। इजराइल का एरो एयर डिफेंस इतना ताकतवर है कि इजराइल दावा करता है कि अगर 2000 किलोमीटर दूर से भी कोई मिसाइल इजराइल की तरफ लॉन्च होती है तो मिसाइल लॉन्च होते ही इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। जब तक इजराइल अपनी एयरफोर्स के माध्यम से गाजा पट्टी पर बमबार्डिंग करता रहा तब तक इजराइल के सैनिकों के मारे जाने की संख्या का आंकड़ा लगभग स्थिर रहा, लेकिन जैसे ही इजराइल ने अपना ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया, इजराइल के सैनिकों के मौतों की संख्या लगातार बढ़ती गई। लेकिन अब जो समाचार फिलिस्तीन के अखबार छाप रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि इजराइल की सेना और इजराइल की सरकार इजराइल के सैनिकों की मौत के आंकड़ों को छुपा रही है। फिलिस्तीन क्रॉनिकल नाम के एक अखबार ने इजराइल के मिलिट्री सिमेट्री यानी इजराइल के सैन्य कब्रिस्तान यानी वो जगह जहां पर इजराइल के सैनिकों को दफन किया जाता है, उस जगह के डायरेक्टर डेविड वार्नर बरूच का एक इंटरव्यू छपा है। इस इंटरव्यू में इजराइल की मिलिट्री सिमेट्री के डायरेक्टर डेविड वार्नर ने कहा है कि इजराइल के अंदर हर घंटे एक इजरायली सैनिक का शव कब्रिस्तान में दफन होने के लिए आ रहा है। इस इंटरव्यू को फिलिस्तीन के अरब देशों के अखबारों ने हाथों हाथ लिया और ये दावा किया कि इजराइल के सैनिकों की मौत का आंकड़ा आधिकारिक आंकड़े से कहीं ज्यादा है। जेरूसलम के पश्चिमी इलाके में माउंट हर्जल कब्रिस्तान है और यहां पर इजराइल की सेना में काम करने वाले सैनिकों को दफनाया जाता है। मिडल ईस्ट मॉनिटर नाम की एक और न्यूज वेबसाइट में इस कब्रिस्तान के डायरेक्टर डेविड ओरेन का बयान छपा है। पिछले 48 घंटे में 50 इजरायली सैनिकों को दफनाया गया है। ये चौंका देने वाली बात है क्योंकि इजराइल ने दावा किया है कि 7 अक्टूबर से अब तक इजराइल के करीब 400 सैनिक मारे गए हैं। इनमें से करीब 80 सैनिक गाजा के ग्राउंड ऑपरेशन में मारे गए हैं, करीब 10 सैनिक लेबनन के बॉर्डर पर हिजबुल्ला से लड़ते हुए मारे गए हैं और 300 से ज्यादा सैनिक 7 अक्टूबर और उसके बाद एक हफ्ते तक इजराइल के अंदर हमास के आतंकवादियों से सीधे लड़ते हुए मारे गए हैं। लेकिन फिलिस्तीन के अखबारों का दावा है कि ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल के सैनिकों के मारे जाने की संख्या आधिकारिक आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। अगर इजराइल के मिलिट्री सिमेट्री यानी सैन्य कब्रिस्तान के डायरेक्टर डेविड वारेन के आंकड़ों को सही माने और इस हिसाब से अनुमान लगाएं कि हर घंटे में एक सैनिक की मौत हो रही है तो इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन को लगभग 30 दिन हो चुके हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं यानी 30 दिन में 720 घंटे होते हैं। अगर इजराइल के सैन्य कब्रिस्तान के डायरेक्टर के मुताबिक हर घंटे में एक सैनिक की मौत हो रही है तो इसका मतलब यह है कि अब तक ग्राउंड ऑपरेशन से 30 दिनों में 720 सैनिकों की मौत हो चुकी है। यह सिर्फ एक अनुमान है, इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है। इतना ही नहीं, हिजबुल्ला यह दावा करता है कि लेबनान के बॉर्डर पर जो जंग चल रही है उसमें हिजबुल्ला के 80 लड़ाके मारे गए हैं जबकि इजराइल के करीब 10 सैनिक मारे गए हैं। जबकि हिजबुल्ला को सपोर्ट करने वाले देश ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई भी ये बयान जारी कर चुके हैं, इजराइल के ज्यादा सैनिक मारे गए हैं लेकिन इजराइल आंकड़ों को छुपा रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में इजराइल की सेना अपने मारे गए सैनिकों के आंकड़ों को छुपा रही है। इजराइल की सेना प्रोपेगेंडा वॉर में हमेशा सबसे आगे रहती है और आज भी इजराइल और हमास के युद्ध में अगर देखा जाए तो हमास के पक्ष में बात करने वाले गाजा पट्टी के फिलिस्तीनी पत्रकारों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। गाजा पट्टी के अंदर लगातार हुई बमबारी में अब तक करीब 45 पत्रकार मारे जा चुके हैं जो फिलिस्तीन के मुद्दे को कवर कर रहे थे। अब ऐसी स्थिति में गाजा के संचार तंत्र पर इजराइल का 75% कब्जा है और इजराइल जो चाहता है वही सूचना गाजा से बाहर निकलती है क्योंकि गाजा के अंदर इजराइल की सेना अपनी पकड़ को मजबूत कर रही है। और जहां तक इजराइल के सैनिकों के मारे जाने की संख्या का सवाल है तो यहां एक और बात जाननी जरूरी है कि इजराइल के डिफेंस फोर्स खुद को एक सुपीरियर आर्मी यानी सर्वश्रेष्ठ सेना की तरफ प्रस्तुत करती है और ऐसे में वो कभी नहीं चाहेगी कि वो अपने सैनिकों की मौत के ऐसे आंकड़े पेश करे जो दुश्मनों के मुकाबले ज्यादा हो। लेकिन यहां पर नोट करने वाली बात ये भी है कि इजराइल की ये सैन्य नीति है कि वो हमेशा दुश्मन के 10 गुना आदमी ज्यादा मारता है
और अब तक के आंकड़ों पर गौर करें तो गाजा के अंदर 15,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और करीब 7,000 लोग मलबे में दफन हैं। इनमें से मारे गए बच्चों की संख्या तो करीब 7,000 हो चुकी है। यानी गाजा में एक बहुत बड़ा नरसंहार हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने पत्रकारों के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा है कि गाजा पट्टी में कोई नरसंहार नहीं हो रहा है। ये पूरा बयान आपको सुनाएंगे और इसके आगे आपको ये भी बताएंगे कि कैसे जॉर्डन भी गाजा पट्टी के जख्मों पर नमक छिड़क रहा है। लेकिन सबसे पहले अमेरिका के उस पाखंड के बारे में बताना जरूरी है जो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। यूक्रेन और रूस के युद्ध में जब पुतिन की मिसाइल यूक्रेन पर कहर बनकर टूट रही थी और करीब 1,000 यूक्रेनी बच्चे हताहत हुए थे, तब अमेरिका ने यह कहना शुरू कर दिया था कि पुतिन नरसंहार कर रहे हैं। लेकिन गाजा पट्टी के अंदर हजारों मौतों के बाद भी अमेरिका इसे नरसंहार नहीं मान रहा है। यह अमेरिका के दोहरे मापदंडों का बुक टेक्स्ट एग्जाम्पल है। Make no mistake about it, is genocide. They want to wipe Israel off the map. They've said so publicly, more than one occasion. In fact, just recently. And they've said that they're not going to stop. What happened on the 7th of October is going to happen again and again and again. And what happened on the 7th of October? Murder, slaughter of innocent people in their homes or at a music festival. That's genocidal intention. मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा है कि यूक्रेन की घटनाओं को नरसंहार मानना और गाजा पट्टी की मौतों को नजरअंदाज करना वैश्विक पाखंड है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अब तक गाजा पट्टी के अंदर 30,000 से ज्यादा लोग घायल हैं और गाजा पट्टी के अस्पतालों की हालत क्या है, ये पूरी दुनिया को नजर आ रही है। जॉर्डन ने गाजा पट्टी के घायल लोगों के लिए इजिप्ट के अंदर एक फील्ड हॉस्पिटल बनाया है। किंग अब्दुल्ला के बेटे खुद इस अस्पताल की निगरानी करने के लिए गए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फील्ड हॉस्पिटल में मात्र 40 बेड हैं, जबकि गाजा के अंदर 30,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। और इन हालातों में एक फील्ड हॉस्पिटल में मात्र 40 बेड का इंतजाम लोगों के साथ एक क्रूर मजाक है। اقل شيء بنقدر نعمله انه نحاول نساعد اخواننا في غزه فلسطين فاكيد بدنا نعمل اكثر دائما بس انتم ما شاء الله يعني فرصه انكم تساعدوا الناس ونقدم الشيء اللي هم محتاجين ان شاء الله ان شاء الله كلنا فخورين فيكم وراح نتابع كل الامور اول باول اهم شيء التنسيق بيناتكم والمعنويات ان شاء الله इसराइल अपनी टेक्निकल सुपीरियरिटी की वजह से अजय है। पिछले हफ्ते इसराइल ने हमास की ताकत को इस कदर नेस्तोनाबूद किया था कि पिछले हफ्ते 72 घंटे में इसराइल की राजधानी तेल अवीव पर एक भी मिसाइल अटैक नहीं हुआ था। और जब सोमवार को तेल अवीव पर एक मिसाइल अटैक हुआ तो जहां से मिसाइल अटैक हुआ उस रॉकेट लॉन्चर को भी गाजा के अंदर जाकर इसराइल ने तबाह कर दिया। ये इसराइल की ताकत है। हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा की माने तो हमास के लड़ाकों ने इसराइल के 350 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां और टैंकों को उड़ा दिए हैं। हमास का दावा तो ये है कि इसराइल के 150 मरकाबा टैंक उड़ा दिए गए हैं। हमास तस्वीरें भी जारी कर चुका है, लेकिन फिर भी हमास की पकड़ गाजा से इसलिए ढीली पड़ चुकी है क्योंकि हमास के बड़े बड़े हेडक्वार्टर्स पर इसराइल ने टैंक चढ़ा दिए हैं। इसराइल ही नहीं, अल शिफा अस्पताल में काम कर चुके डॉक्टर भी ये मानते हैं कि अल शिफा में हमास का हेडक्वार्टर हो सकता है। टाइम्स ऑफ इसराइल अखबार ने यह दावा किया है कि फ्रांस 24 नाम के एक न्यूज चैनल पर एक ब्रिटेन के डॉक्टर ने इंटरव्यू दिया है। इस डॉक्टर ने 3 साल तक अल शिफा अस्पताल के अंदर काम किया था। गाजा के अल शिफा अस्पताल में काम करने वाले इस ब्रिटिश डॉक्टर का दावा है कि अल शिफा अस्पताल में कई ऐसी जगहें थीं जहां पर उसे जाने के लिए मना किया गया था। ये कहा गया था अगर वो वहां प्रतिबंधित क्षेत्र में जाएगा तो उसे गोली लग सकती है।
टाइम्स ऑफ इसराइल ने दावा किया है कि अल शिफा अस्पताल के अंदर हमास का हेडक्वार्टर होने का दावा करने वाले ब्रिटिश डॉक्टर ने अपना नाम नहीं बताया है, क्योंकि उसे डर है कि ऐसा करने पर गाजा के अंदर मौजूद उसके सहयोगियों को हमास मार सकता है। अल शिफा अस्पताल में काम करने वाले इस ब्रिटिश डॉक्टर ने आगे कहा कि सावधान किए जाने की वजह से मैं गाजा के अल शिफा अस्पताल के प्रतिबंधित क्षेत्रों से दूर रहा, लेकिन मैंने कुछ संदिग्ध से नजर आने वाले ऐसे लोगों को अस्पताल में हर समय अंदर और बाहर जाते देखा था जो चिकित्सा कर्मी नहीं थे। ये लोग अस्पताल के बेसमेंट के अंदर जाते थे। The first time our forces entered the Shifa complex, they went in with a bomb sniffing dog and they discovered a truck full of ammunition. After revealing the shaft by the D9, they saw a circular opening and they couldn't see all the way down at the time, but further investigations and tools lowered down it revealed that this is a 10 meter deep shaft that leads to a corridor. At the end of that corridor, there is a blast-proof door with a shooting hole at the top of it. And our forces, after making sure that all defense mechanisms are dismantled, have opened that door that leads to another door that goes deeper into the complex. The understanding that this tunnel goes under the hospital. Israel Defense Force ne is British doctor ke interview ko aadhar banate hue ek bar phir kaha hai. इस इंटरव्यू से साबित होता है कि अल शिफा अस्पताल का इस्तेमाल हमास के आतंकवादियों के द्वारा हेडक्वार्टर की तरह किया जा रहा था।